मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं स्पीति राइडर, जहां मुझे चाहिए छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं कहां हूं। जी हां, मैं हूं मैयर, जो कि शारदा माता का बहुत ही फेमस मंदिर है। तो कहां थे अपन, क्या मेरी सांस फूल गई थी, तो मैं पॉज करके बैठा था एक जगह। मैयर की सीढ़ियाँ आप देखो कैसी होती हैं, एकदम स्ट्रेट ऐसी ऊपर जाती है। मैं तो फिर भी काफ़ी सरवाइव कर रहा हूँ। पीछे वालों की हालत ख़राब है, इनके फेसेस देखो, पीछे अमर को देखो ऐसे सांस ले रहा है, दमे का मरीज हो, लेकिन नहीं है। तो चलिए पहले मैं आपको बच्चों का मुंडन दिखाता हूँ, उसके बाद में ऊपर आपको दर्शन कराता हूँ माता रानी के। बस दुआ कीजिए कि अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे मिल जाए। श्रद्धालु धीरे धीरे सभी पहुंच रहे हैं। रामया आ गई, अभी तो रोप वे से चला गया, उससे मैं आपको ऊपर मिलवाता हूँ। सबके फेफड़े जवाब दे रहे हैं, इसलिए बोलता हूँ जिम जाया करो, और अगर आप जिम जाते हो तो मेरा वो वाला चैनल डोले शोले उसको जरूर सब्सक्राइब करो। एक चीज जो मैं हर ब्लॉग में कहता हूँ और इसमें भी कहूँगा, मैयर भगवान का स्थान है, बहुत अच्छी जगह है, हर किसी को आना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, गंदगी फैलाने से बाज नहीं आते। अभी लगभग 750 सीढ़ियाँ मैं चढ़ चुका हूँ, उसके बाद आगे का रास्ता पहले सीढ़ियों से हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा रोड वाला हो चुका है। मैं लगभग 3 या 4 साल पहले लास्ट टाइम आया था दोस्तों, इतनी गंदगी फैला रखी है लोगों ने जिसकी कोई हद नहीं। ये देखिए, आप मंदिर आते हो यार, ये सब करते हो, इसके लिए मंदिर का जो भी समिति सफाई वाली वो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आप और मैं हैं। ये हमें ख्याल करना है कि ऐसी जगहों को हमें कैसा रखना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन जगहों को एंजॉय एटलीस्ट कर सके। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे, आप क्या सोचते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। नीचे क्लियर कट लिखा हुआ था कि ऊपर मंदिर में नारियल फोड़ना मना है, या ऊपर वाले जो भी पोर्शन है, अब इनके बारे में आप क्या कहेंगे, पूरा गंद फैला के रखा हुआ है। क्या मिल जाता है ऐसा करने से आप लोगों को, आप नीचे वाले परिसर में नारियल फोड़िए तो भी मान्यता उतनी ही होती है यार। मशीन भी लगी हुई थी तो क्या ही कर सकते हैं। ये देखिए अतुल्य भारत, ऊपर लिखा हुआ है पहाड़ी सुरक्षा हेतु यहाँ नारियल ना फोड़ें। और इन्हें देखिए, मेरी कोशिश रहेगी अगर यहाँ से मैं ड्रोन शॉट्स ले पाया तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि पेड़ पौधे यहाँ ज़्यादा हैं और ड्रोन के क्रैश होने का खतरा भी उतना ज़्यादा है। चलते हैं। Thank you.
फाइनली हम लोग मंदिर के एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, लगभग 1051-1050 सीढ़ियाँ यहाँ पे हैं। अभी यहाँ ढोल बज रहा है तो आवाज़ हो सकता है आप लोगों को मेरी साफ ना आ रही हो। आगे मैं पहुँच के आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ। बहुत नज़दीक है हम लोग वहाँ, हालांकि लिखा हुआ है कि फ़ोटो खींचना मना है, और तो डिस्प्ले में आप लोग शायद देख पा रहे हो अंदर का व्यू आ रहा है। बाकी आगे की कहानी क्या है आगे पहुँच के ही पता चलेगी। अबो, अबो। मैंने आप लोगों से कहा था ना मैं ऊपर आके आप लोगों को मिलवाता हूँ अबीर से। ये रहा अबीर उर्फ टकला सागर। अबीर आई बोल हाई। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ओवरऑल व्लॉग? और मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर मौका मिला तो मैं आप लोगों को ड्रोन शॉट्स भी दिखाऊंगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत परमिशन लीगल फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ी, SDM से बात करना पड़ी, बट ठीक है हो गया। ओवरऑल व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार किसी और जगह किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों मैं आप लोग को मौली से तो मिलवाने ही भूल गया यार, असल में हुआ क्या ये तो गाइस हम लोग यहाँ, ओ माय गॉड सांस भूल रही है मौली की, ऐसे करते हैं इतनी ओवर एक्टिंग नहीं इतनी, हाँ ओवर एक्टिंग नहीं, मजाक अपनी जगह। एक्चुअली हुआ क्या, मौली जो है पहले भाग के आ गई, मतलब हम लोग बाय रोड आए हैं, उस रोप वे से नहीं आए। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना भूल गया, यहाँ आने के ऊपर माता के मंदिर पहुँचने के दो रास्ते हैं, या तो आप रोप वे से भी आ सकते हैं, दो नहीं एक्चुअली तीन रास्ते हैं। ये जो रोड देख रहे हैं ना आप, यहाँ का एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, यहाँ आधे रास्ते तक फोर व्हीलर से आप आ सकते थे, और अब एक बहुत अच्छा ऑप्शन खुल गया है रोप वे, तो आप आधे रास्ते रोप वे से भी आ सकते हैं, और या फिर सीढ़ियाँ हैं या अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो फाइनली आप लोगों की मौली से भी मुलाकात हो गई, माता रानी के दर्शन भी होपफुली मैंने आप लोगों को करवा ही दिए होंगे, घर बैठे बैठे मैंने आपको मैयर वाली शारदा माता के दर्शन करवा लिए। तो एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा, और ओवरऑल वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर चैनल पर पुराने हैं तो अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिए। मौली मज़ा आया? बहुत आया मौली, बोलती लेकिन भी चढ़ने में हालत ख़राब हो गई थी, बट ओवरऑल इट वॉज फन। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार किसी और जगह किसी और ब्लॉग में किसी नए तरीके में, तब तक के लिए गुड बाय।